दूर घाटी का उधर बस्ती देख लो सर, वही मेरा घर था। मेरा बाप ना वही छाए के बागानों में ना काम किया करता था। बहुत हंसमुख इंसान था, वर्कर लोग बहुत इज्जत करते थे, सब सलाम रखते थे ऐसे। यूनियन का लीडर था ना अपने साहब। वो पेड़ देख लो साहब, वो पेड़, उस पेड़ पे ना साहब एक मोटे मोटे रस्सी होगा ना झूला हुआ करता था। और नन्ना सा मैं, मेरा बाप मेरे को झूले में डालता और इसे जोरदार पेंग देता, जोरदार पेंग, झूला ऊपर ऊपर, रखो तो बाबू और ऊपर, बाबू और ऊपर, झूला साय साय साय, और झूला जब नीचे आता तो पेट में कैसा लगता है ना साहब। अच्छे दिन थे साहब, अच्छे दिन थे। फिर एक रात पुलिस आई और मेरे बाप को उठा के लेके चली गई। कुछ दिन बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, एक नन्हे से बच्चे को उसकी माँ छोड़ के चली गई। क्या उम्र होगी मेरी, हाँ ये साला इतना से था, रोता रहा पिलकता रहा, लेकिन मजा आ रहा। जो पानी का एक बूंद किसी ने पूछा हो, बोला किसी ने पानी पी ले, भूख लगी खाना खा ले, सर कोई नहीं पूछता। फिर एक रात उसी पेड़ के नीचे जहाँ मेरा बाप मेरे को झुलाया करता था ना, मैं जाने कहाँ से कुत्ता आया, रोटी का टुकड़ा लेकर चबा रहा था। मैं देख रहा है वो चबा रहा है, मैं देख रहा हूँ वो चबा रहा है, चबड़ 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 चबड़, पत्थर दे मारा कुत्ते को, कुत्ता भागा, मैं भागा, कुत्ता भागा, मैं भागा, कुत्ते की मुझसे रोटी गिर गई, मैं लपक के वो गंदी रोटी उठाई और अपना पहली बार पेट भरा। उस दिन से आज तक ऐसा लगता है ना कि अगर जीतना है ना मुन्ना तो मरना सीख, जीतना है ना तो छीनना सीख। उतन सब मुन्ना से मुन्ना भाई बन गया साहब। चाय पियोगे, चाय लगा रहे इनके लिए।